नहीं करते, फिल्में चूज करते हैं क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा है तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए। बैंजो का कुछ ऐसे हुआ, जब मुझे कहानी सुनाई गई थी रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, इनफैक्ट मेरे प्रोडक्शन जब शुरुआत की तब वो रवि थे, प्रोड्यूसर भी थे, बालक पालक हम लोगों ने इकट्ठा करा और रवि जी ने डायरेक्ट की थी तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए, दो तीन स्क्रिप्ट हम लोगों ने सोची थी पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो और आई एम ग्लैड के उसके तीन चार साल बाद यू नो एंड द डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम ग्लैड दैट जो फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म। आई एम ग्लैड दैट आफ्टर सो मेनी इयर्स both of them thought of me and I'm happy to be part of this. Krishika ji, jo bhi song ke AS ki gana jo hai, it will work for the film. When you start enjoying and especially the lyrics also goes hand in hand and you start tapping your feet, I mean you just start enjoying basically any music you hear, any tune, it has to hit the pulse. So that's how you start enjoying any music we hear till now, I'm sure. And banjo itself, when you think of banjo and when you think of Kalpati songs, they go very hand in hand. The song, the name, it goes. Banjo means Kalpati. Or it's you can hear it in Navratra. So it's about it's about the music of a banjo. Music. It's a musical film. And the banjo player, it's about the banjo players who deal with the people in this today's world. So I would say that Ganpati song has to be released, and unfortunately we are coming before after Ganpati. So the song is very important at that day, and that's why we're here to launch the song. Sir, Vishal Shekhar were always your choice to compose the songs for this film? Yeah, absolutely, because they are my दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, काफ़ी हम तीनों एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्ट्रीट म्यूजिक है इंडिया का उसका अगर फ्यूजन हो गया और तो इंटरनेशनली वो ज़्यादा सुना जाएगा और आई एम श्योर कि विशाल शेखर जिस तरह से जो यहाँ का म्यूज़िक है, अपनी मिट्टी का जो एक म्यूज़िक है उसको जहाँ जिस तरीके से वो एक वेस्टर्न पीस में डालते हैं, गणपति में जो उन्होंने जो यूज़ किया ये सब जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसके साथ उन्हें जो इंटरनेशनल डिफरेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया उसका जो फ्यूजन है, आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी कलरफुल एंड इट्स सेलिब्रेशन है बेसिकली एंड फॉर मी ऑल्सो इज सेलिब्रेशन बिकॉज पहली हिंदी फिल्म है, पहले हिंदी फिल्म का पहला गाना है और पहला गाना वो भी गणपति बप्पा पे, आई थिंक आई एम प्लेस। बहुत सारे सवाल आपके सचिन जी का म्यूजिक था, फिर अभी में गजानन सॉन्ग बहुत पॉपुलर है और इस साल आप लेकर आए हैं पापा सॉन्ग, इस गाने की खासियत क्या है और आपको क्या लगता है कितना लोगों को छू पाएगा और क्या इस फिल्म में इस गाने पे आप डांस भी करते नजर आएंगे? नहीं, सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी आई फेल इन लव विद द फिल्म एज अ कैरेक्टर, पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूजिक नहीं था, हमें पता था कि पांच गाने आएंगे और अगर पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो है, एक इंस्ट्रूमेंट है और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स। और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो, मैं हमेशा कहता हूँ विशाल और शेखर है जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है, इस फिल्म के असली बैकबोन वो है एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक, उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक रहा है उनका, दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट हीरो, उनको म्यूज़िक की समझ उनकी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है उसी के वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रवि ज़्यादा विशाल शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में एक दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में, बट नो आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है, गणपति इज एन इंडियन गॉड और
उसका पूरा जो साउंड है बम्बई साउंड है मुंबई का साउंड है दिस वेरी स्ट्रीट इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है बट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ फ्यूजन कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है एंड दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू अचीव वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए जितने लोगों ने गाना देखा है सुना है और ट्विटर पे जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है बट इट्स टू अर्ली नाइट जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वली वेल वो मुझे लगता है हर एक्ट्रेस के डेट्स होते हैं अलॉटेड एंड शी विल जॉइन अस सून अनफॉर्चुनेटली शी नॉट हियर फॉर द सॉन्ग बट वुड ट्वीट करिए उनकी प्रायर मेमोरीज से ये अचानक प्रोग्राम बन चुका है उसी न्यूज का ऐसा मैनेज और मुझे लगता है ये पूरी टीम इकट्ठा प्रमोट करेगी बैंड जो इज कम्प्लीट विद रवि सर यशिका जी Yes, yes, of course. I also for the fact